सुप्रभात बच्चों, आपने क्या देखा है? हमने देखी थी एक कहानी। इस कहानी का नाम क्या था? खरगोश और हाथी। तो हमने देखी थी इस पर एक कहावत। क्या थी वो कहावत? तो वो क्या कहावत थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो क्या किया था इन खरगोशों ने? हाथी से बिना झगड़ा करते हुए क्या किया था? उनकी समस्या का समाधान निकाला था। हमने इसका अभ्यास भी कर चुके हैं पार्ट तीसरे में। तो पार्ट तीसरे में हमने क्या अभ्यास किया था? कौन से कौशल का अभ्यास किया था? हमने कौशल में कौन से अभ्यास किया था? श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। अभी आज भाग चार में देखते हैं आगे के कौशल। चलिए, शब्द ज्ञान क्या है? शब्द ज्ञान क्या लिखना है हमें? शब्द ज्ञान। तो आपको पता ही है इससे क्या होता है? हमारा जो शब्द ज्ञान होता है यानी शब्दों का कोश होता है वो बढ़ता है। अब पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है, पढ़िए, पहले हमें पढ़ना है, फिर उसे समझना है और फिर उसे लिखना है। तो क्या पढ़ना है और क्या लिखना है देखते हैं। पहला है द्वितीय व्यंजन। ये कुछ शब्द है, प्रसन्न, गुस्सा, बच्चा, मिट्टी, उत्तर, भल्ला, हल्ला, ये सारी क्या है? शब्द है। इनमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। जब आप ये इन शब्दों का अभ्यास करेंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देता है? ये पहला वर्ण आधा वर्ण है और वो जो आगे का वर्ण है वो पूरा है। पर दोनों वर्ण कैसे हैं? एक ही है ना? दोनों वर्ण कैसे हैं? एक ही है। तो वही कुछ कहते हैं उसको व्याकरण में, उसे क्या कहते हैं तो जानते हैं। द्वितीय व्यंजन, उसे क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन। एक वर्ण का दो बार मिलना, क्या कह रही है हमारी परिभाषा? एक वर्ण का दो बार मिलना, क्या कह रही है? एक वर्ण यानी कोई भी वर्ण हो, देखो ये वर्ण है, दो बार मिलना यानी ये एक वर्ण, एक ये वर्ण, और ये दोनों का क्या होता है फिर? मिलान होता है। क्या होता है? मिलान होता है। उसे क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन। इसकी परिभाषा को हमें अच्छे से समझना है। तो क्या कहती है हमारी परिभाषा? एक वर्ण, क्या कहती है? एक वर्ण का दो बारा मिलना, दो बारा मिलना, तो इसे क्या कहते हैं, है ना? उसे कहते हैं द्वितीय व्यंजन। तो देखते हैं उदाहरण के ऊपर। क है ना, ये पूरा क है क्या? नहीं, इसमें हमने जब कक्षा पहली में थे तो पढ़ा था कि इस चिन्हों को क्या कहते हैं, याद आ रहा है कुछ? क्या कहते थे हम उसे? उसे हम कहते थे हलन। क्या कहते थे? हलन। और इसे क्या कहते थे? जमा। और ये क्या है? ये पूरा, इसमें किसकी मात्रा है? अ की मात्रा। तो हम इसे क्या कहेंगे? क। तो क्या हो गया, है ना? मक्का, चक्की, है ना? इस तरह से। तो हमें जो भी क्या कहते हैं, एक वर्ण जो क्या हुए है, दो बार मिला, दो बार मिले हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? द्वितीय व्यंजन। जैसे इस प्रसन्न शब्द में है, क्या है यहाँ पर दोबारा? कौन से स मिला है? नहीं, कौन सा वर्ण मिला है? न। कौन सा मिला है? न। ये न में क्या लगा हुआ है? जो नीचे मैंने ऐसा लिखा है उसे कहते हैं हलन। क्या कहते हैं? हलन, जो आपको पता है, आपने कक्षा पहली में पढ़ा है। जमा न, तो क्या बना? प्रसन्न, है ना? प्रसन्न। ये क्या होता है? वर्ण दो बार मिलता है, ये आधा होता है और ये पूरा होता है। आधा क्यों होता है? मेरा आपको क्या सवाल है कि आधा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? आधा कब नहीं होता है? जब इसमें क्या नहीं होता है? स्वर नहीं होता है। कौन सा स्वर होता है? हर इसमें कौन सा स्वर होता है बिना मात्रा के? कौन सा स्वर होता है? अ। यस। तो शब्द क्या बना? प्रसन्न। इन सारे शब्दों को आपको क्या करना है? समझना है। गुस्सा, अब यहाँ पर कौन सा वर्ण है जो द्वितीय व्यंजन दर्शा रहा है? कौन सा वर्ण है? तो ये है स। तो स में भी मैंने क्या लगाया है? हलन, यानी पूरा है वो स? नहीं, जमा स और फिर स। बच्चा क्या है? बच्चा क्या होती है हमारी जब जुबान क्या होती है? ऊपर, बच्चा, है ना? हमारी क्या होती है, ये जो जुबान है ऊपर चली जाती है। जब हम शब्द बोल रहे होते तब भी हमें शब्दों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी जबान किस तरह से खुल रही है, कहाँ पर हमारी ये जीभा लग रही है, तालु में लग रही है, कहाँ लग रही है, वो ध्यान देना है। बच्चा, है ना? तो च में क्या होगा? ये आधा च है, उसमें स्वर है? नहीं है। तो क्या लगेगा? आधा, इसमें नीचे क्या लगेगा? हलन, जमा च। च, इसे समझना है आपको। फिर है मिट्टी,
अब यहाँ पर भी क्या लगा है, हलन, तो फिर ये अ आएगा इसमें नहीं, और क्या होता है, स्वर होता है, जमा टी, तो क्या आएगा, टी, टी, है ना, पर टी बोलेंगे तो धीरे से आ जाता है, पर ये टी बोलने पर टी, है ना, थोड़ा सा क्या होता है उस पर जोर आता है, क्या होता है उस शब्द को जोर से होता है। उत्तर, उत्तर क्या होता है, उत्तर, तो त में क्या होगा, हलंत लगेगा और त जमा क्या बनेगा, तर, इसमें त भी लगा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये त हमें क्या करना, इस तरह से लिखना है, ठीक है। आपको इसमें और एक गतिविधि करनी है, क्या करनी है, इसे गोल भी करना है, जो द्वितीय व्यंजन है यहाँ पर गोल भी करना है आपको। फिर है हल्ला, ल, ला, तो क्या बना, ला, क्या बना, ला, है ना, जबान कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। फिर है अन्न, तो न का जैसे इस न का बना है उसी तरह से इसका भी क्या होगा, उच्चारण होगा, जमा क्या है ये, हलन, जमा न, न। रस्सी, तो क्या बनेगा, सी, सी का कैसे होगा, हलन, सी, सी। कच्चा, च का कैसे बनेगा, च जमा च, च। खट्टा, ट, 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 क्या होगा, ट, देखो मेरे हाथ शब्द ता, क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारे अभी जिससे से जैसे आप बड़े हो जाओगे, बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हर 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 वर्ण का क्या होता है, एक जगह होती है जो वहां से ही उसकी क्या निकलती है, आवाज निकलती है। कुत्ता, ता, ता, है ना, ता। पल्ला, पल, ल में क्या लगेगा, हलन, ला। हम इसमें हलन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें स्वर मिला नहीं है। फिर है पन्ना, फिर क्या है, पन्ना, अब यहाँ पर भी क्या आएगा, हलन, ना, ना। फिर है लस्सी, सी, सी, सी। सच्चाई, च, टिट्टी, पत्ता, और छल्ला, देखते हैं आगे। अब हमने शब्द ज्ञान को अभ्यासा है, शब्द ज्ञान को क्या किया है, हमने अभ्यासा है, अभी देखते हैं भाषा कौशल, कौन सा कौशल है, भाषा कौशल। भाषा कौशल में हम क्या जानते हैं, हर भाषा का एक क्या होता है, सौंदर्य होता है, हर भाषा को, जैसे हम क्या पहनते हैं, कपड़े सुंदर दिखने के लिए, उसी तरह भाषा का भी सुंदर दिखने के लिए क्या होता है, भाषा कौशल, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ तौर के होते हैं, उसी तरह से उसे लिखना पड़ता है। तो इसमें हम जानते हैं कि व्याकरण को क्या कह रही है, किसी व्यक्ति, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, नाउन पढ़ते हो ना, कहो गया है नाउन, तो नाउन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं नाउन, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जानवर का नाम, स्थान का नाम, व भाव। भाव क्या होता है, दुख, सुख। भाव हो गया क्या, मुझे दुख हो रहा है, मुझे सुख, कोई कहता है मुझे सुख है, तो कोई कहता है मैं क्या हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, है ना। इस तरह के शब्द किसमें आते हैं, भाव में आते हैं, इसमें आते हैं भाव में। नाम को संज्ञा कहते हैं, क्या कहती है, संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, यानी व्यक्ति यानी हम, वस्तु यानी कुछ भी ले लो, मेज ले लो, कुर्सी कुर्सी ले लो, या आपका मोबाइल ले लो, या कंप्यूटर ले लो, कोई भी वस्तु। फिर जानवर, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, फिर उनका नाम, और स्थान, जैसे हम अब कहाँ रहते हैं, बीड में हूँ, दिल्ली, कलकत्ता, ऐसे स्थान को इसमें लिया जाता है संज्ञा में। और भाव, जैसे मैंने बोला दुख सुख, ये सारे क्या है, भाव है, हमारे मन के भाव होते हैं। नाम को क्या कहेंगे हम, इनके नाम को क्या कहेंगे हम, संज्ञा कहेंगे। जैसे राजा, किसका हो गया, राजा व्यक्ति का। सिंह किसका हो गया, वस्तु का, सॉरी जानवर का, किसका हो गया, जानवर का। आगरा क्या हो गया, स्थान हो गया। मेज क्या हो गई, वस्तु हो गई। और खुशी क्या हो गई, खुशी, मुझे बहुत खुशी है, तो क्या हो गया, वो भाव दिखाती है। खुशी दिखती है क्या हमें, नहीं, वो भाव दिखाती है, मतलब हमें वो आंखों से नहीं दिखती, पर व्यक्त होती है कि नहीं, जब हम क्लास में फर्स्ट आते हैं तो हम कहते कैसे जोर जोर से, नहीं, पर हमारा जो मुंह होता है, फेस होता है अपना, वहां पर दिखाई देता है कि हमें दुख हुआ है, खुशी हुई, तो वो क्या होता है, भाव होता है। क, पाठ में से पांच संज्ञा शब्द चुनकर हमें क्या करना है, अब आपको संज्ञा की परिभाषा समझ में आई है, उस परिभाषा को हमने किन किन में गिरा अलग अलग किया है वो भी समझ में आया है। अब आपको क्या करना है, पाठ में से पांच, कितनी,
पांच संज्ञा शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए जो आपके बुक में दिए वहां। तो नाम वाले शब्दों को एक हम इस पूरी परिभाषा को एक छोटे में डालेंगे तो कैसे आएगा, नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसके शब्द? नाम। आपका नाम भी क्या होगा? संज्ञा ही होगी। जैसे अब पाठ में कौन से आए हैं? फिर हाथी। हाथी कहेंगे तो हाथी ही दिखाई देगा हमें। चांद, खरगोश, जंगल, सरोवर, समझ में आया? ये सारे क्या है? संज्ञा है। अब इन संज्ञाओं से हमें वाक्य बनाना है। क्या करना है? वाक्य बनाना है। ऊपर दिए शब्दों से अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो कैसे वाक्य बनाने हैं? अर्थपूर्ण वाक्य। हाथी का आकार बहुत विशाल होता है। कैसा होता है हाथी का आकार? देखो हमने हाथी पहला शब्द था तो उसका क्या से वाक्य बना है? हाथी का आकार बहुत विशाल होता है। फिर है मुझे चांद बहुत सुंदर लगता है। आपको क्या लगता है? चांद मुझे। आप दूसरा भी बना सकते हो, केवल शब्द ये होने चाहिए। खरगोश गाजर खाते हैं। खरगोश को क्या पसंद होता है? गाजर। जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। सभी जानवर सरोवर से पानी पीते हैं। ये क्या है? इसके वाक्य है। देखते हैं अगला प्रश्न। सृजनात्मक अभिरुचि। इसमें क्या होता है कि आपके आप में कुछ छुपे गुण होते हैं। देखो कोई कोई क्लास में बड़ी मस्ती करता है पर खेल में बहुत बड़ा अच्छा होता है। खेल में अच्छा होता है, कोई अभ्यास में अच्छा नहीं होता पर यहाँ पर उसकी चित्रकला में बहुत अच्छा होता है। तो इसे क्या कहते हैं? सृजनात्मक। आप में जो गुण होते हैं वो हमें यहाँ पर निकालने। जैसे पार्ट दो में हमने कछुआ खरगोश की कहानी की चर्चा की थी। हमने क्या की थी? खरगोश और कहानी। हम जब से छोटे हैं तब से हमें क्या बताई जाती है? कहानी बताई जाती है। आपने सुनी भी होगी। कौन सी कहानी? खरगोश और कछुए की। जो खरगोश क्या किया था? दौड़ते दौड़ते गया था और फिर क्या हुआ था? खरगोश क्या किया था? खरगोश ने बीच में से हो गया था। फिर कछुआ बेचारा धीरे 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 कहाँ जा गया था? धीरे धीरे कहाँ गया था? वो शरीयत उसने जीती थी। तो वही कहानी हमने कल्पना कीजिए कि अगर दौड़ खरगोश जीतता क्या होता? उसमें कौन जीता था? कौन जीता था? कछुआ जीता था। तो कहानी का क्या अंत होता? क्या अंत होता आपको सोचना है। अंतिम चित्र की कल्पना कर किसी बड़े परिजन के सहायता से उसका चित्र बनाना है। आपको क्या करना है? उसका चित्र बनाना है और उसका वर्ण लिखिए और उसका वर्णन लिखिए। वर्णन लिखिए। क्या लिखना है? वर्णन लिखिए। अपनी लिखी कहानी को नया शीर्षक भी देना है। आपको क्या करना है? नया शीर्षक भी देना है। देखते हैं आगे। देखो यहाँ ऐसे पहला चित्र क्या दिखाई दे रहा है कि इनकी शरीयत लगी है। फिर यहाँ पर सब खड़े हैं ना, बंदर, हिरण, भालू, ये सब खड़े हैं। अब क्या हो रहा है दूसरे इसमें? खरगोश का हाथी का कछुआ बेचारा क्या कर रहा है? धीरे धीरे चल रहा है और खरगोश तो उड़ी मारते 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 आगे दौड़ रहा है। देखते हैं अगले चित्र में। अगले चित्र में क्या हो गया था? आपको सबको पता ही है खरगोश क्या हो गया? सो गया और बेचारा कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर आपको क्या करना है। आपको ये इसमें तो कौन जीता था? इसमें खरगोश जीता था। कौन जीता था? कछुआ जीता था। हमें क्या करना है? यहाँ पर खरगोश जीता हुआ चित्र बताना है। कछुए और खरगोश की दौड़ शुरू हुई। अब हम कहानी लिख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उसका वर्णन कर रहे हैं। कछुए और खरगोश की दौड़ शुरू हुई। कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। कौन धीरे धीरे चल रहा था? कछुआ। परंतु खरगोश ने 2-3 छलांग में ही काफी रास्ता तय किया था। क्यों? क्या करता है? उड़ी मारते रहता है। खरगोश ने सोचा कि अब खरगोश ने क्या सोचा? वो तो कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। खरगोश ने सोचा वो तो कितनी दूर है। अब खरगोश ने क्या सोचा? अभी कुछ कछुआ दूर ही है, क्यों ना मैं थोड़ा आराम कर लूं। खरगोश सो गया। क्या हो गया? खरगोश सो गया। कछुआ फिर धीरे धीरे चलता रहा। कछुआ क्या हुआ? फिर धीरे धीरे चलता रहा। खरगोश की नींद खुली। अब क्या हो गया? वो तो सो गया। धीरे धीरे खरगोश कछुए ने देखा भी खरगोश सोया है पर खरगोश कछुए ने उठाया क्या उसे? नहीं, वो अपना काम जो शरीयत लगी थी वहां से भी आगे चलते निकल गया। खुली तो कछुआ मंजिल तक पहुंचने ही वाला था। क्या हुआ? कछुआ मंजिल तक। अब खरगोश की आंखें खुल गई।
और वो मंजिल, कौन? कछुआ मंजिल तक पहुंचने वाला था। खरगोश ने लंबी छलांग लगाई, क्या लगाई? लंबी छलांग लगाई और कछुए के पास गया, और कछुए के पास गया। खरगोश को देखकर कछुआ उदास हो गया। क्या हो गया? खरगोश को देखकर कछुआ उदास हो गया, क्योंकि बेचारा इतने धीरे धीरे इतनी दूर तक आ चुका था। कछुए के अथक परिश्रम को ध्यान में रखते हुए खरगोश ने कछुए को पकड़ा। क्या करा? पकड़ा और दौड़ लगाकर उसके साथ दौड़ जीत गया। क्या कर लिया? दौड़ जीत गया। हमें वो जो कहानी थी उसमें क्या था कि कछुआ जीत गया था, पर इस कहानी में हमें क्या करना है कि खरगोश जीता है, इसके लिए हमने इस तरह से लिखा है। आगे देखो जीवन कौशल, आपको उसको क्या देना है? शीर्षक भी देना है आपकी कहानी को। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, है अच्छी बात नहीं? क्या आप इस बात से सहमत है? हाँ, हो गई ही ना, झूठ बोलना अच्छी बात है क्या? नहीं। अपने सहपाठियों के साथ इस पर विचार कीजिए, झूठ बोलने के कम से कम 3 बुरे परिणाम लिखिए। हमें क्या करना है? 3 बुरे परिणाम लिखने हैं झूठ बोलने से। अब झूठ बोलने से क्या क्या हो जाता है? देखो, झूठ बोलने से हम झूठे बन जाते हैं, है ना? अभी एक बार झूठ बोला तो हमें पता चल जाता है, आप बार बार झूठ बोलते हो तो आप क्या बन जाते हैं? चल झूठते, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, चल झूठे। तो उसी तरह क्या होता है, वो झूठे हम लोग हम पर विश्वास नहीं करते। क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। झूठ पकड़े जाने पर बहुत अपमान सहना पड़ता है। क्या पड़ता है? झूठ पकड़े जाने पर बहुत अपमान सहना पड़ता है। ये 3 क्या है और बहुत सारी बातें हैं। तो आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्ची बोलना चाहिए। एक बार डांटेगी मम्मी, दूसरी बार डांटेगी, फिर डांटेगी क्या? नहीं, वो गलती आपकी सुधारेगी। सुधारना चाहिए, ना कि उसको झूठ बोलकर पर्दा गिराना चाहिए। देखते आगे गतिविधि यानी आपको कुछ को ये करना पड़ता है, प्रोजेक्ट करते हो ना आप, वैसे एक्टिविटी होती है, वैसे ही कुछ है यहाँ पर। खरगोश और कछुए की कहानी अपने साथियों को अपने शब्दों में सुनाई। आपको आप कक्षा में नहीं है तो आपको किसको सुनानी है? आपका छोटा भाई हो, बड़ी बहन हो, उनमें से किसी को भी सुनानी है, नहीं तो मम्मा पापा है ही। ये अगर खरगोश सोया ना होता, क्या होता? अगर खरगोश सोया ना होता उस कहानी में तो क्या होता? क्या होता? अपने साथियों के साथ इस पर विचार विमर्श कीजिए, है ना? ये आपको किसको सुनाना है? आपकी मम्मी को सुनाना। इससे क्या होगा? इससे होगा कि हिंदी आपकी अच्छी होगी, ठीक है? तो इस तरह से हमने इस पाठ का पूरी तरह अध्ययन कर चुके हैं। इसको आपको क्या करना है, आपके पाठ्य पुस्तक में इसके प्रश्नों के उत्तर अच्छे अक्षरों में लिखने हैं और लेखन पुस्तिका में भी लिखने हैं इसके उत्तर। बाय बाय, फिर मिलेंगे।